नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, अब बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुलटिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें क्या नहीं करें, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे आज मनाई जाने वाली पापा कुंशा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करता हूं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, भरोसा करना सीखिए। अपने परफेक्शन पे इतना मत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए कि उससे आपके हेल्थ के ऊपर, आपके मन की शांति के ऊपर, आपके रिलेशंस के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज आपके हार्ड वर्क से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से आज के दिन में आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, किसी भी इंसान की योग्यता में कमी नहीं होती, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होता है। सब एक ही बुद्धि लेके पैदा हुए, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। व्यापार में लाभ होगा आज के दिन की सफलता के लिए, टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। आज अपने निजी जीवन में और अपनी जो बाहर की जो लाइफ है, व्यावसायिक जीवन जो है आपका, कार्यक्षेत्र वाला जो लाइफ है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपके हार्ड वर्क का दोपहर के बाद आपको उत्साहजनक परिणाम मिल सकता है। वर्किंग एरिया के लिहाज से आज का दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खाकर घर से निकलेगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, जयपुर से शिव प्रकाश जी हैं, जो कि अपने भाई महेंद्र के लिए जानना चाहते हैं। महेंद्र जी की जन्म की तारीख है 14/9/1985 और इनके जन्म का समय है शाम का 5:10 का। शिव प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी पंडित जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। पंडित जी, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा छोटा भाई है, वो अब तक जॉब नहीं लग पाया, आईटीआई वगैरह सारा कर लिया और बहुत परिश्रम कर रहा है। देखिए शिवप्रकाश जी, आपकी हमारी पहले भी बात हुई, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, इस बच्चे की जन्म कुंडली में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसको 18 साल की राहु की मां दशा चल रही है। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो राहु है वो इसके लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन कर रहा है। जो चीज़ आज मिलनी है वो थोड़े समय बाद मिलती, मिलता सब कुछ ऐसे लोगों को। कालसर्प दोष है इस बच्चे की जन्म कुंडली में, 200% मेहनत करेगा तो 100% मिलेगा इसको। कुंडली के अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चंद्र मंगल योग है, शनि जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। अगर लोहे से रिलेटेड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इससे रिलेटेड अगर नौकरी करता है तो निश्चित तौर पे अच्छा इसको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। गुरु इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। 2-3 सरल उपाय जो करने हैं, वो एक तो ये करना है कि तुरंत प्रभाव से घर में केले का पौधा लेके आए और इस बच्चे को बोले कि केले के पौधे की नियमित रूप से परिक्रमा करें, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए, जल अर्पण करें। दूसरा, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है।
जनवरी 2017 के पश्चात में इसका समय अच्छा आ रहा है, नौकरी भी लग जाएगी। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए इसको 5:15 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन। हर रविवार को भैरवजी महाराज के दर्शन करें, दाल की कचौरी दही मरती चढ़ाए, विद इन 3 मंथ्स ही विल गेट द रिजल्ट्स। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अनु जी हैं पंजाब से, जो कि अपने हस्बैंड यानी कि अपने बेटर हाफ अशोक जी के लिए जानना चाहती हैं। अशोक जी की जन्म की तारीख है 3/3/1963, उनके जन्म का समय है शाम का 6 बजे का। अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। अनु जी अपना सवाल पूछिए। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बेटा। आचार्य जी, मैंने आपके लिए बहुत बार पूछा हुआ अपने हस्बैंड के लिए, उस दिन भी पूछा था, आपने सुंदरकांड का पाठ बताया था, मैं शुरू कर रखा है। उन्होंने 30 तारीख को नौकरी छोड़ दी थी, आज 12 तारीख होगी, वो एक दिन भी दुकान नहीं गए। आचार्य जी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मोस्टर क्या करूँ, वो बिल्कुल भी नाम नहीं लेगा दुकान जाने का। देखो अनु, लगातार 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा और निश्चित तौर पे अगले ही कुछ दिनों में अच्छी नौकरी इनके हाथ में होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जन्म कुंडली में शनि की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। अगस्त 2017 तक इनका समय जो है वो फ्लक्चुएशन वाला है। राहु मतलब फ्लक्चुएट करता है, 4 दिन काम किया तो 5वें दिन छोड़ दिया। ऐसा जो इनका पीरियड है वो अगस्त 2017 अगले साल अगस्त तक चलेगा। इसी तरीके से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। ग्रहों के दोष को शांत करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जब भी कोई उपाय हम करते हैं श्रद्धा से करते हैं तो उसका असर भी होता है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है, सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करना है और उसके साथ में हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने हैं, दाल की कचौरी दही मरती चढ़ानी है। जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा बंगला हर तरह का सुख जो है, जब इनका शनि की उतरती हुई महादशा होगी अगस्त 2017 के पश्चात, तभी इनके जीवन में इस तरह का शुभ योग बनेगा। उससे पहले इस तरह का कोई शुभ योग इनकी जन्म कुंडली में नहीं है। बेटा, जो आपको उपाय बताएं वो करते रहिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कविता जी हैं हनुमानगढ़ से। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 26/2/1980 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 2 बजे से लेकर 2:15 के बीच का। और पंडित जी, इनके और उनके हस्बैंड में बनती नहीं है, ये उसके बारे में जानना चाहती है। उनके हस्बैंड की जो जन्म की तारीख है वो है 1/5/1976, उनके जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मुझे नहीं पता क्या करते हैं। हेलो जी, कविता जी अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि कविता और सुधांशु के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनते, जब से इनकी शादी हुई मतलब इनके बीच में झगड़ा बहुत रहता है, 4 दिन अच्छे निकलेंगे लेकिन फिर भी इनके ना मतलब कि आपस में बिल्कुल बहुत ज्यादा कहते हैं कि ना नियम भी में जैसे होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है, लड़ते बहुत है, 4 दिन अच्छे निकलेंगे फिर महीना भर इनके कोई ना कोई बात तो छोटी छोटी बातों पर, लेकिन इनके दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं दोनों के बीच में बिल्कुल भी। देखो बेटा, पहली चीज तो ये है कि ये जहाँ पे भी मिलान करवाया गया था गलत मिलान है। भ्रकुट दोष आता है, भ्रकुट दोष भी जो आता है वो 2/12 वाला बिया 12वां बोलते हैं इसको। वृषभ और मिथुन, लड़के की वृषभ राशि है और बच्ची की मिथुन राशि, वृषभ और मिथुन का जो कॉम्बिनेशन है बिया 12वां, पुरानी कहावत सुनी होगी बिया 12वां मतलब एक दूसरे से एंटी हो जाना, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद हो जाना, 19.5 गुण मिलते हैं मात्र। बच्चा जो है वो स्ट्रांग मांगलिक है, हैवी मांगलिक है, और आपकी जो बच्ची है बहन है वो नॉन मांगलिक है, तो कहीं ना कहीं मंगल का जो असर आता है वो देखने को मिल सकता है। अब इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर जिस तरह की समस्याएं हैं और ये सब कुछ हैं, देखिए अलगाव का कोई योग नहीं है कि कोई डिवोर्स या इस तरह का कोई योग नहीं है। विद इन ए फ्यू मंथ्स, अगले ही कुछ महीनों के अंदर काफ़ी कुछ फर्क देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में हमेशा ऐसा चलता रहेगा। 2-3 सरल उपाय जो अक्सर हम बताते हैं दाम्पत्य जीवन के सुख को बढ़ाने के लिए, अगर वो ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है।
सोते समय हस्बैंड के सिराने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखे, खुद के सिराने के नीचे कपूर की टिकिया रखे, सुबह उठकर उस सिंदूर को स्नान करके अपने मस्तिष्क में अपनी मांग के अंदर भर लें और कपूर को बेडरूम में जला दें। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो अक्सर तू तू मैं कड़वाहट जो होती है वो ख़त्म होती है। एक मंत्र अक्सर हम बताते हैं, ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। ओम रिम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। इस मंत्र का नियमित रूप से यदि जाप करें तो उनके हस्बैंड के मन में अपनी पत्नी के प्रति इम्पैक्ट देखने को मिलता है, अफेक्शन देखने को मिलता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि विवाह जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, अभी कानपुर के अंदर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की हत्या हो गई। उसका प्रेम विवाह, अभी कुछ समय पहले ही उसने प्रेम विवाह किया था। 3 महीने की गर्भवती महिला थी और उसके पति ने उसको बहुत बेरहमी से उसको मार दिया जिससे वो प्रेम करता था। इसीलिए अक्सर हम कहा करते हैं कि जब भी आई अंडरस्टैंड कि नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए, ग्रहों के मिलान को देखिए, गुणों पे मत जाइए, उसके बाद अपनी बच्ची की शादी कीजिए। बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं, दूसरे के हाथ में दे देते हैं, वो उसका धनी धोरी बन जाता है। कोशिश कीजिए कि कुछ नॉर्म से उनका पालन कर सके। जो बेटा सरल उपाय मैंने बताए वो करिएगा, निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो चीज कल तक आपकी समझ से दूर थी, आज वो चीज आपको अपनी समझ में आने लगेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर नजर बनाए रखिएगा और जितने भी आज आपने काम सोच रखे हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन वाहन मशीनरी से रिलेटेड काम सावधानी पूर्वक करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि वह सिंह राशि। जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद आपके दिल और दिमाग में आ जा सकती है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसकी कोशिश करके देखिए, परिणाम भले ही थोड़े समय बाद मिले लेकिन मिलेगा जरूर। कुएं का मेंढक मत बनिए। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि। आज आप किसी को अपनी तरफ से नाराज मत कीजिएगा। दूसरों की जितनी मदद करेंगे कई बार आप देखेंगे कि उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता है। डोंट बी प्रोफेशनल, बट कोई नीड है किसी को तो उसकी मदद अवश्य कीजिए। बिजनेस के सौदों में सफलता मिलेगी। काम करने और काम निकालने के लिए आज आपको अपनी नेचर को, अपने व्यवहार को बैलेंस करना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्गा चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मचाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में।